अभी मैं साइकिलिंग करने निकला हुआ हूँ और आज हम लोग अपना 9th व्लॉग शूट करेंगे। तो मैं घर पहुँचता हूँ, अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ और 9th व्लॉग बनाते हैं। और वैसे मैंने 9th व्लॉग ऑलरेडी शूट किया रखा था, पर मैं उस फुटेज को यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि जितनी फ्रेश फुटेज होती है इट्स ईजी टू एडिट। और वो जो मैंने पहले शूट किया था वो काफ़ी पुराना कंटेंट है और उसको एडिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई भी किया, सो फाइनली मैं आज नया व्लॉग शूट करके 9th व्लॉग अपलोड करूँगा। चलते हैं घर। आ गए आप, आ गई आपको याद अपने YouTube चैनल की? इतने दिन से कहाँ गए अब थे आप, हैं? जवाब दीजिए। सो वेलकम टू दी 9th एपिसोड ऑफ OPK और मैं हूँ पुनीत कोडवानी, ऑल्सो नोन एज PK। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेरा असली नाम, मेरा असली नाम है पुनीत कोडवानी। पर पॉइंट वाली बात यह है कि बहुत लंबा गैप हो गया है, 9th of June को लास्ट व्लॉग और आज 20 तारीख, इतना लंबा गैप, आखिर कहाँ था मैं? और इतने दिन में आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है काफ़ी सारी, बाल वाल भी, जब पिछले व्लॉग में आया था मैं तो बाल छोटे छोटे थे, अच्छा डिसेंट हेयर कट था, तो ऐसा कहीं गायब नहीं था मैं, लाइक सब ओके है। बस इतना है कि जो मैंने छोटे छोटे व्लॉग्स क्रिएट किए, 8 व्लॉग जो क्रिएट किए मैंने, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। लाइक व्यूअर्स कम थे और व्यूअर्स आए सिर्फ 150-200, बट एक अजीब चीज़ मेरे को देखने को मिली कि मुझे 3 वीडियो कमर्शियल्स के ऑफ़र आ गए और उसके इमीडिएट बाद मुझे 2 गानों के भी ऑफ़र आए, गाने डायरेक्ट करने के लिए। यस, आपका भाई गाने भी डायरेक्ट करने वाला है। तो बड़ा ही अजीब सा सीन हुआ कि 8 व्लॉग्स के बाद मैंने सोचा मैं व्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगा, पर इस बीच में बस काम बहुत आ गया तो मैंने उस काम को संभाला। और अपने अंदर एक बहुत बुरी बीमारी है, वो ये है कि अपन अगर कोई काम उठा लेते हैं तो पहले उस काम को जब तक निपटा नहीं देते तब तक अपन दूसरा काम नहीं उठाते। तो अपन ने दूसरा काम उठाया नहीं, अपन उसी के पीछे लगे रहे, अपन ने वो प्रोजेक्ट्स अच्छे से निपटाए और उस बीच काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि व्लॉग्स बनाना पॉसिबल नहीं हो रहे थे। क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ HP का लैपटॉप जिसमें Core i3 प्रोसेसर है, तो इसमें एडिटिंग करना उतना स्मूथ नहीं होता, तो टाइम मिलता नहीं है, हर जगह कैमरा कैरी करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। तो फिर मतलब बहाने तो 50 होते हैं ना जब आपको करना नहीं होता, वैसा सीन हो गया। तो मैं बहाने बना रहा हूँ, पर आई एम सॉरी मैं बना नहीं पाया व्लॉग्स। पर इसके साथ एक बात और रही कि मैंने 20-30 बार 9th व्लॉग शूट किया, 20-30 बार, और हर बार शूट करके मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी क्योंकि पता नहीं क्या मेरे मन में एंजाइटी बैठ गई। एक वो ब्रेक आ जाता है ना कभी कभी, किसी चीज़ को अपन करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद अंदर घबराहट बैठ जाती है, तो वो है ना एंजाइटी टाइप की बैठ गई कि अरे यार इतना लंबा गैप हो गया, अरे यार कुछ नया करता हूँ, कुछ नया करता हूँ, तो कुछ नया तो हो पा नहीं रहा है इतने दिनों से। तो मैंने डिसाइड किया आज कि मैं एटलीस्ट व्लॉग तो डालूंगा, कम से कम कुछ जाए तो सही, जाए मतलब जाएगा नहीं तो होगा कैसे, समझ रहे हो ना, मतलब कंटेंट जाने की बात हो रही है। फिर मैंने अभी डिसाइड किया कि एक व्लॉग बना के डालते हैं, आप सबको हाई हेलो कर देते हैं, मिल लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। और जिन लोगों ने मुझे बोला बार बार कि भैया नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है, तो लो जी। और एक बात और, एक नया गाना आया है, आप सर्च करना यूट्यूब पे, दिल प्यार ना कर ओए बाय आशुतोष ऋषि, बहुत अच्छा गाना है, एकदम लेटेस्ट और अमेजिंग ट्रैक है। ग्वालियर में शूट हुआ है, ग्वालियर के लोगों ने ही उसमें एक्ट किया है, ग्वालियर की ही प्रोडक्शन टीम ने काम किया। तो देखना, लाइक करना, गाने को शेयर करना और हम लोग मिलेंगे अब लगातार बैक टू बैक। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में सूरज भी डूबने वाला है, फिर अपन शूट भी नहीं कर पाएंगे। पर मैं एक बात और बताऊं, मैंने कुछ जुगाड़ बिठा लिया है, अब से अपन
रात को भी व्लॉग शूट करेंगे। सो जो प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरे व्लॉग्स की जो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी, वो थी शूटिंग का टाइम। तो अब शूटिंग टाइम के लिए भी मैंने जुगाड़ बैठा ली है, अपन रात को भी शूट कर सकते हैं, अपन सुबह को भी शूट कर सकते हैं, दोपहर में अपन शूट नहीं करते क्योंकि दोपहर में अपन अपने ऑफिस के काम निपटा रहे होते हैं। सो ऑल इन ऑल आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।